Hello students, how are you all? Welcome to Adadu for 7. In today's video, we will discuss the trick to solve reading comprehension. स्टूडेंट्स रीडिंग कॉम्प्रिएशन विल डेफिनेटली कम इन द एग्जाम हम सभी को पता है एस बी आई पी ओ के प्री में भी आएगा मेन्स में भी आएगा आगे जाके एस बी आई क्लर्क में भी हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहशन डेफिनेटली आएगा ही आएगा और हमारे पास उसे सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होगा वी विल हार्डली गेट एट टू टेन मिनट्स टू सॉल्व दैट अब आठ से दस मिनट में रीडिंग कॉम्प्रिंशन अगर मैं ट्रेडिशनल स्टाइल में सॉल्व करूँ कैम रीडिंग दी पास आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन आएम अगेन रीडिंग द पास आंसरिंग द क्वेश्चन सो दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है तो हियर आई एम विद विद अ अ ट्रिक टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम बहुत कम टाइम में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे इस स्ट्रैटेजी को हम प्रैक्टिस भी करेंगे आज की वीडियो में नहीं आगे की वीडियो में हम इसी स्ट्रैटेजी को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस भी करेंगे सो लेट्स रीड दी स्ट्रैटेजी फर्स्ट द फर्स्ट स्टेप इज वॉट यू विल नॉट रीड द पैसेज आप पैसेज को नहीं पढ़ेंगे सबसे पहले माई डियर स्टूडेंट्स यू विल रीड द क्वेश्चन आप क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे आप पैसेज को नहीं पढ़ेंगे जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे वॉट यू विल डू यू विल आइडेंटिफाई की वर्ड्स इन द क्वेश्चन आप क्वेश्चन में कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे नाउ अ क्वेश्चन अराइजेज वॉट इज अ की वर्ड की वर्ड क्या है की वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स अराउंड विच द क्वेश्चन की वर्ड वो सारे वर्ड्स होते हैं जिनके अराउंड क्वेश्चन रिवॉल्व करता है और आपको लगता है कि वो important वर्ड्स हैं. यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ them. आप उनकी एक लिस्ट बना लेंगे अब ये जो कीवर्ड्स हैं स्टूडेंट्स इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है Let us look at this. हमारे पास बेसिकली तीन तरह के questions आते हैं द फर्स्ट टाइप ऑफ questions दैट वी गेट इज पैसेज बेस्ड questions. पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस का क्या मतलब है पैसेज में कुछ लिखा हुआ है कि यह चीज 1947 में हुई थी इसलिए हुई थी और क्वेश्चन भी यह है कि यह चीज कब हुई थी और क्यों हुई थी डायरेक्ट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आर जिनको मैंने बोला कंप्लीट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है स्टूडेंट्स आपको पूछा गया वॉट इज द टोन ऑफ द पैसेज आपको पूछा गया है राइट द समरी ऑफ द पैसेज इन वन लाइन आपको पूछा गया है वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑथर आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू इनको मैंने क्या बोला इनको मैंने बोला कंप्लीट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन तीसरे तरीके के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं दे आर वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन सो so, हम इन वाले क्वेश्चंस में कीवर्ड्स मार्क करेंगे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में हम कीवर्ड्स मार्क करेंगे कंप्लीट पैसेज बेस्ड ऑफ क्वेश्चंस में हम केवल और केवल कीवर्ड्स इन वाले क्वेश्चंस में मार्क करेंगे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू और इन में भी हम इनके ऑप्शन की हेल्प से की मार्क करेंगे और वो कैबलरी बेस्ड क्वेश्चन में तो हम वो वर्ड्स मार्क करेंगे ही करेंगे जिनका हमसे मीनिंग पूछा गया है स्टेप नंबर थ्री नाउ यू विल रीड द पैसेज अब आप पैसेज को पढ़ोगे और जैसे जैसे आपको कीवर्ड मिलता जाएगा वैसे वैसे आप क्वेश्चन को आंसर करते जाओगे फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग दी पैसेज यू गॉट टू नो दैट ब्रिटेन विड्रू फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट रियलाइज दैट द इंडियन एम्पायर वॉज नॉट एट ऑल प्रोफिटेबल आपको की वर्ड मिला था प्रोफिटेबल तो आप क्वेश्चन पर जाओगे जिस क्वेश्चन में की वर्ड प्रॉफिटेबल लिखा हुआ था कि वाई डिड ब्रिटेन या फिर जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऐसा वाई डिड ब्रिटेन विद्रू फ्रॉम इंडिया ब्रिटेन ने इंडिया विदड्रू क्यों किया आपने की वर्ड माफ किया था विदड्रू आपको पैसेज में पढ़ते हुए समझ में आया द ब्रिटेन विदड्रू फ्रॉम इंडिया बिकॉज या ब्रिटेन विदड्रू फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट फाउंड दैट द एम्पायर वॉज नो मोर प्रॉफिटेबल तो आप वहीं के वहीं उस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दोगे आपको कीवर्ड मिला था क्वेश्चन में आप पैसेज पढ़ रहे थे पैसेज पढ़ते हुए आपको वो कीवर्ड मिला यू विल गो बैक टू द क्वेश्चन एंड यू विल मार्क द आंसर टू दैट क्वेश्चन आप उस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दोगे फोर्थ स्टेप इज वट आंसर द क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चन तो अगर आप इन चार स्टेप्स में रीडिंग कॉम्पिटिशन को अटेम्प्ट करते हो देन इट विल रियली रिड्यूस अ लॉड ऑफ टाइम एंड यू विल आंसर द क्वेश्चन और आप सारे के सारे क्वेश्चन को एकदम एक्यूरेटली आंसर कर पाओगे नाउ <laughs> एक क्वेश्चन आता है कि मैम ये तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं तो मुझे पहले कौन से क्वेश्चन करने चाहिए और मुझे बाद में कौन से क्वेश्चन करने चाहिए माई सजेशन इज़ दैट सबसे पहले आप ये वाले क्वेश्चन करोगे उसके बाद आप ये वाले क्वेश्चन करोगे और उसके बाद आप ये वाले क्वेश्चन करोगे वाई एम आई सेंग इट मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि जब आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होगे तब आपको पूरे पैसेज की इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी मतलब ये वाले क्वेश्चन जब आप कर रहे होगे ऑटोमेटिकली आपको इन वाले क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होगा आपने ये वाले क्वेश्चंस कर रहे थे आप इन वाले क्वेश्चंस का आंसर निकाल रहे थे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑथर की टोन क्या है ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑथर का ऑब्जेक्टिव क्या है तो इन क्वेश्चंस को करते समय ये वाले क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा होगा और जब ये दोनों क्वेश्चंस कर रहे होगे तो वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस का भी आंसर मिल रहा होगा क्यों क्योंकि हमें जो वोकैबुलरी होती है पैसेज की वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लिखना होता हमें पैसेज के अकॉर्डिंग मीनिंग लिखना होता है तो जब मैं इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही होंगी हो सकता है मैं उस लाइन को पढ़ रही हूँ जहाँ पर वो वर्ड आया होगा वहां से आई कैन जज कि वो कौन सा उस वर्ड का हूँ। तो, तो मेरे बहुत कम के साथ आराम से मैं को कर पाऊंगी कोई डाउट किसी को यहां तक नहीं है <laughs> एक डाउट और मैं लेना चाहूंगी स्टूडेंट्स को जनरली कंफ्यूजन होता है कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफरेंस एंड कंक्लूजन बहुत बार पैसेज में हमसे इन्फ्लेंस पूछा जाता है बहुत बार हमसे पैसेज में कंक्लूजन पूछा जाता है वी हैव टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लुस एंड कंक्लूजन कंक्लूजन का मतलब होता है स्टूडेंट्स आपने पैसेज को पढ़ा और ऑन द बेस ऑफ पैसेज आपको क्या समझ में आया कंक्लूजन इज आपने पैसेज को पढ़ा और पैसेज के बेसिस पे आपको क्या समझ में आया इन्फुलेंस इज आपने पैसेज को पढ़ा आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाई और उसके बेसिस पे आपने क्या जो किया मतलब कॉन्क्लूजन केवल केवल पैसेज पर डिपेंड करेगा लेकिन इन्फ्लुएंस पैसेज के साथ साथ आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग पर भी डिपेंड करेगा फॉर एग्जाम्पल एक पैसेज मुझे दिया हुआ था जिससे मैंने पढ़ के ये कंक्लूजन निकाला कि रिवर्स शुड नॉट बी लिंक्ड रिवर्स को लिंक नहीं करना चाहिए बिकॉज इट क्रिएट्स वाटर वॉर्स क्योंकि उसकी वजह से वाटर वॉर्स होते हैं पानी के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं झगड़े होते हैं ये तो था कंक्लूजन इससे मैंने इन्फ्लुंस क्या ड्रॉ किया वॉट इन्फ्रेंस कि डैम्स शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड डैम्स कंस्ट्रक्ट नहीं करने चाहिए क्योंकि अगर हम डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम रिवर्स का कोर्स चेंज करते हैं हम कहीं रिवर का पानी इधर जा रहा होता है हम इधर कर देते हैं या कहीं आ रहा होता है हम रोक देते हैं वी चेंज द कोर्स ऑफ द रिवर तो ये क्या हो गया दिस वॉज एन इन्फ्रुएंस तो इन्फ्रुएंस में मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाई कि रिवर्स को लिंक करना या रिवर्स के साथ छेड़ाखाड़ी करना मतलब क्या है डैम्स कंस्ट्रक्ट करना डांस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो रिवर्स का जो कोर्स है वो इंटर रिवर्स के कोर्स में हम इंटरफेयर करेंगे तो दिस वाज एन इंफ्लुएंस वेयर एज दिस वाज अ कंक्लूजन कंक्लूजन और रिफ्रेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है आई होप सभी को स्ट्रैटेजी समझ में आई रीडिंग कॉम्पिटिशन की क्या स्ट्रैटेजी है आई एम रिपीटिंग इट अगैन रीड द क्वेश्चन आइडेंटिफाई द की वर्ड्स रीड द पैसेज आंसर दी क्वेश्चन और क्वेश्चन भी किस ऑर्डर में करने हैं आपको सबसे पहले पैसेज बेस्ड क्वेश्चन फिर कंप्लीट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन एंड लास्ट में वो कैबरी के क्वेश्चन दो सेंटेंसेस सभी लोग मिलकर बोलेंगे आई होप आप लोगों ने मेरे बहुत सारे सेशनस देखे हुए हैं इनफैक्ट वन ट्वेंटी रूल्स ऑफ ग्रामर उसको तो आप फॉलो करते ही आ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन एस बी आई पी ओ से पहले ये सेशन डेफिनेटली देखना है कौन सा सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ट्वेंटी रूल्स ऑफ ग्रामर इसमें पूरी की पूरी ग्रामर कवर हो जाएगी चार पार्ट्स उसके अभी तक आ चुके हैं आगे आने वाले पार्ट्स नेक्स्ट वीक में रोज आएंगे तो आप उन पार्ट्स को देख ही रहे हैं ग्रामर इम्प्रूव हो ही रही है बहुत सारे क्वेश्चन हमें साथ के साथ प्रैक्टिस करने ही हैं तो सभी लोग मिलकर दो सेंटेंसिस बोलेंगे पहला सेंटेंस इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज दूसरा सेंटेंस आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश सभी लोग मिलकर बोलेंगे वन टू थ्री एंड गो